तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कार गोज ऑन ए हॉरिजेंटल रोड, ठीक है ना, जिसकी रेडियस आर है, एक रोड पे टर्निंग ले रही है और इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दो एक्सलेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है, ठीक है ना, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई मास, और एक होता है सेंटीपीटल एक्सलेशन। तो सेंटीपीटल एक्सलेशन सेंटीपीटल फोर्स अपॉन मास, तो दो एक्सलेशन होते हैं, ठीक है ना। और ये द फोर्स बिटवीन द, हाँ, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच म्यू है। तो कहता है स्पीड एट विच द कार विल स्कीड, मतलब कितने स्पीड के बाद जो है वो कार स्कीड होना स्टार्ट कर देगी, तो वो वाली चीज़। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर कार स्कीड, मतलब यहाँ पे कार स्कीड है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस टाइप के सर्कल में, ठीक है ना, इस टाइप के सर्कल में गाड़ी मुड़ने वाली है। देखो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में गाड़ी हमारी मुड़ने वाली है। तो ये जो सेंटर है, और सेंटर ये वाली जो चीज़ है, तो ये जो सेंटर है और यहाँ से रेडियस, ठीक है, ये रेडियस आर है और ये ओ है, तो ये वाली जो चीज़ है, तो ये यहाँ से, और टेंजेंशियल जो फोर्स है, तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इसको ऐसे लगेगा। और ऑब्वियसली देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा और सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा। तो ये दोनों मिलेंगे कहाँ से यार? तो सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा, वो फ्रिक्शन F1, जो कि सेंटीपिटल देगा, और इधर जो फोर्स आएगा जो इसको गाड़ी को एक्सलेट करा रहा है, तो और तो कोई है नहीं गाड़ी और टायर के बीच, तो ये फ्रिक्शन F2 है। और नॉर्मल यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ग्राउंड है, हॉरिजेंटल रोड है, तो नॉर्मल ऊपर जाएगा और MG इसके धरती के अंदर चली जाएगी, MG इस लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, तो हम इस नॉर्मल और इसकी बात नहीं अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो नेट जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इस गाड़ी को इस रोड पे मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये वाली जो चीज़ है, दैट इज नेट फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो F1 प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल तो MG के इक्वल होगा, तो जो जो F1 है वो सेंट्रिपिटल फोर्स देगा और उसकी वैल्यू होगी MV² ओवर सर्कुलर पाथ की रेडियस R। और जो F2 है वो उसको आगे की साइड एक्सलरेट करा रहा है MA। तो यहाँ से जो MA है और यहाँ से जो M और ये DV/DT, तो ये वाली चीज़ यहाँ से, तो नेट नेट जो नेट फोर्स गाड़ी को नेट फोर्स आ जाएगा गाड़ी पे, वो आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली चीज़। तो यहाँ से नेट फोर्स μN, फ्रिक्शन ही है भाई, नेट रिजल्टेंट फ्रिक्शन ही है। तो यहाँ से F1 का स्क्वायर, मतलब MV² ओवर R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से MA का स्क्वायर, ये वाली चीज़। तो ये यहाँ से ये वाला आ जाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रख दो, तो नॉर्मल की वैल्यू रख दोगे तो ये पूरा नॉर्मल रखोगे तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू MG मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू MV² ओवर R का स्क्वायर और प्लस MA का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं इनिक्वली। तो यहाँ से आ जाएगा μ² g² m दोनों साइड कॉमन था तो खत्म हो गया, तो यहाँ आ जाएगा V^4/R² + A^2। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे R से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा μ² और g² और R² = V^4 + A आ जाएगा R² A² तो यहाँ से V^4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो R² यहाँ से कॉमन ले लो तो μ² g² - A² तो फाइनली जो V की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R²
और ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सब पे जो पावर बनेगा वो बनेगा 1/4। तो ये इसका जो फाइनल, ये जो है इतनी स्पीड से अगर मुड़ता है, ठीक है ना, तो वो स्कीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग लग रहा है, फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग लग रहा है। इससे स्पीड अगर बढ़ाओगे तो गाड़ी स्कीड कर जाएगी। अगर स्पीड वी डैश इज ग्रेटर देन पी होगा तो ये गाड़ी स्कीड कर जाएगी और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा, ठीक है ना। और अगर स्पीड इससे कम है, वी से कम है, ठीक है, तो स्टेटिक फ्रिक्शन लगेगा और बड़े आराम से मुड़ लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्पीड वी डैश इक्वल टू है तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा और मुड़ भी इस पर भी मतलब मुड़ सकते हो, बट इसके बाद स्कीडिंग हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था ये। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।